आज मैं आपके बीच में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, पिछले में देखे होंगे कि आप कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं री एनालिसिस का, है ना, एग्जाम को देखते हुए। तो देखिए, ये आपको कोर थ्री के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग पेपर थ्री या 2.1 के नाम से जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रूव डैट एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है किसमें, इन आर में, वह यूनिक होता है। क्या होता है यूनिक? और यह जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इस ख्याल से भी कि आगे चल के भी इसका सिस्टम बहुत जगह यूज होता है आगे सेमेस्टर में भी। बी नंबर है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए नॉट ऑर्डर कंप्लीट। सेट ऑफ रेशनल क्या, नॉट ऑर्डर कंप्लीट, ये प्रूफ करना है। ये लेक्चर 12 मिल जाएगा, ये लेक्चर 3 मिल जाएगा आपको। स्टेट एंड प्रूफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये आपको लेक्चर 13 मिल जाएगा। प्रूफ डैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज ए काउंटेबल, ये भी मिल जाएगा लेक्चर 20 में आपको। प्योर कंप्लीट प्रूफ मिल जाएगा आपका, है ना, रियल एस क्या लेक्चर 20 में, है ना, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आपका द चैलेंजर जोन पर। और नहीं तो इसका वीडियो का लास्ट में इसका लिंक हम दे देंगे आपको। थर्ड नंबर एम है, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड, प्रूफ डैट एवरी कन्वर्जेंस का तो बाउंडेड होता है। या ए सीक्वेंस इफ कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज जो करेगा उसे यूनिक लिमिट होगा। लिमिट क्या होगा, यूनिक में दो लिमिट हम ले लेंगे और साबित कर देंगे दोनों लिमिट क्या है, इक्वल है। वह लेक्चर 22 में मिल जाएगा आपको। स्टेट एंड प्रूफ कॉची सीक्वेंस द कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, पहले क्या आता है फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट भी है, सेकेंड थ्योरम लिमिट है। यहाँ पर हम दिया है स्टेट एंड प्रूफ कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, और सो डैट एक न्यूमेरिकल है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, 2/1 इंटू 3/2 इंटू है 4/3 इंटू डॉट 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 गया n/(n-1) के पावर दिया हुआ 1/n इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। 5 का ए नंबर में ए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज डैट इट इज ए बाउंडेड, कहने का मतलब है कि नेसेसरी और सफिशियंट अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, और जो बाउंडेड है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। चाहे अथवा दिया हुआ ओआर में इसी थ्योरम को ऐसे भी लिख सकता है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। नहीं तो इसको दो तरह से करते हैं हम लोग, है ना, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। ये लेक्चर 29 में जो दिया हुआ है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, है ना, वह कर लीजिएगा उससे। और इसी का हम अगर बाउंडेड एबव कर रहा है ना लिमिट एग्जिस्ट, तो भी क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। इंक्रीजिंग हो बाउंडेड एबव हो तो क्या हुआ, वो भी कन्वर्जेंट करता है। इसका भी हम अथवा में लिखाते हैं आपको, देखिए। और इसका भी ओआर में जो है वो पूछता है प्रूफ डैट ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज ए बाउंडेड एबव कन्वर्जेंट, बाउंडेड एबव क्या है कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्ज टू लीस्ट अपर बाउंड, कन्वर्ज टू लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड हो रहा है और क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है तो भी क्या है कन्वर्जन कहलाता है, है ना। तो मोनोटोनिकली में दोनों तरह होता है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग करके भी एग्जाम में आता है आपको, है ना, इसलिए हम अथवा में लिखवा दें कि तीनों में से कोई एक तरह से एग्जाम में आता है। अब बनाने का तरीका सेम है। बी नंबर है प्रूफ डैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन का मान दिया हुआ आपका कितना 1+1/n के पावर एन इच कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 2 और 3, है ना। कहता है कि ए एन जो सीक्वेंस दिया हुआ कन्वर्जेंट है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि यह इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबोव है तो क्या हुआ कन्वर्जेंट हो गया, और उसका लिमिट ले लीजिएगा तो क्या हुआ 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। सिक्स का ये सो डैट, ये भी आपको लेक्चर 31 में मिल जाएगा आपको, है ना, सो डैट द सीक्वेंस ए एन इज डिफाइनड बाय ए एन बराबर 1 एंड ए एन प्लस 1, ध्यान दीजिएगा ए एन बराबर 1 एंड ए एन प्लस 1 जो है बराबर क्या है अंडर रूट 2+n फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यह क्या है कन्वर्ज टू ए पॉजिटिव रूट,
कन्वर्ट टू ए पॉजिटिव ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। ये प्रूव करना इस तरह सेवन वाला करके भी आता है एग्जाम में ना, सेवन वाला नहीं आएगा तो टू वाला आएगा, टू वाला सेवन बनता, दोनों सेम है बनाने का तरीका सेम, अगर एक जान गया तो सब बन जाता है। प्रूव डैट द सिक्वेंस एन वेयर एन का मान दिया हुआ है ना, वन बटे एन प्लस वन प्लस वन बटे एन प्लस टू प्लस डॉट 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 वन बटे एन प्लस एन इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन वन बाई टू एंड वन। सेवन का ये लिए है कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, आता है हमें कि स्टेट टाइम प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर किस क्या, कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट, या इस तरह सकता है ये सीक्वेंस, इसका स्टेटमेंट है ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या होना चाहिए, इट इज कौची सीक्वेंस, इट इज कौची सीक्वेंस, तो इस तरह से भी आता है चाहे इस तरह से आ सकता है ना, दोनों सेम है। बी नंबर सो डैट द सीक्वेंस वन बटे टू टू पावर एन जो है क्या है, कौची सीक्वेंस, ये शो करना पड़ेगा, ये लेक्चर 13 में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपको ना। एट का ए स्टेट एंड प्रूफ कंपेरिजन टेस्ट बाय रेशियो, कंपेरिजन बहुत सारा होता है लेकिन एक रेशियो के द्वारा जो कंपेरिजन होता है उसको प्रूफ करना आपको। इफ द सीरीज ए एन बराबर एन क्या कन्वर्ज है देन इतना बराबर जीरो होगा, कोई भी सीरीज नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट सीरीज उसको बोल सकते हैं क्या, कि इफ द सीरीज इतना कन्वर्ज होगा कब, जब इतना बराबर जीरो हो। अब देखिए नाइन का ए नंबर है प्रूफ डैट द सीरीज समेशन का साइन दिया हुआ एन बराबर वन से इनफिनिटी तक है ना, वन बटे एन टू पावर पी, इसको हम लोग पी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, इज कन्वर्जेंट होगा कब, जब पी ग्रेटर देन वन, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब पी लेस देन इक्वल टू वन। तो नाइन का बी नंबर देखिए डिस्कस द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज है ना, एम बराबर वन से होगा यहाँ पर ना, इनफिनिटी तक कभी कभी एग्जाम होता है एम बराबर वन से तो कोई दिक्कत नहीं है, एम रहे चाहे रहे ना, एम रहेगा तो एम का लिमिट है, एन रहेगा तो एन का लिमिट है। स्टेट एंड प्रूफ डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, न्यूमेरिकल में क्या होता है कि थोड़ा बहुत अंक डिजिट चेंज कर सकता है लेकिन न्यूमेरिकल लगभग लगभग बनाने का तरीका सब पर सेम, ताकि हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जाम में छूटे नहीं। स्टेट एंड प्रूफ डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, टेस्ट द सीरीज दिया हुआ है ना, वन प्लस टू टू पावर पी बटे फैक्टोरियल टू, थ्री टू पावर पी बटे फैक्टोरियल थ्री, फोर टू पावर पी बटे फैक्टोरियल फोर प्लस डॉट डॉट फॉर कन्वर्जेंस। 11 क्या ये है स्टेट टर्म प्रूफ कौची एनएथ रूट टेस्ट, कौची एनएथ रूट टेस्ट। बी नंबर है टेस्ट द सीरीज एक्स बटे वन इंटू टू, एक्स स्क्वायर बटे टू इंटू थ्री, एक्स की बटे थ्री इंटू फोर है, इस तरह से सीरीज बढ़ता गया प्लस डॉट डॉट कन्वर्जेंट का, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये भी लेक्चर 39 में मिल जाएगा आपको। 12 का ये स्टेट टर्म प्रूफ रैप टेस्ट, और उसका न्यूमेरिकल है टेस्ट द सीरीज इतना वन प्लस अल्फा बटे फैक्टोरियल वन, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन बटे फैक्टोरियल टू, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू बटे फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट फोर कन्वर्जेंट कब, अल्फा ग्रेटर देन जीरो कन्वर्जेंट, बैक पर दिया अल्फा ग्रेटर देन जीरो, भी लेक्चर आपको 40 मिल जाएगा। डिफाइंड अल्टरनेटिव सीरीज ऑफ स्टेट एंड प्रूफ लाइबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिव सीरीज, अल्टरनेटिव डिफाइन करने बोला है, अब बोलता है कि स्टेट एंड प्रूफ लाइबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिव सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ दिया हुआ लॉग टू बटे टू का स्क्वायर, लॉग थ्री बटे थ्री का स्क्वायर, लॉग फोर बटे फोर का स्क्वायर, ये अल्टरनेट प्लस माइनस है। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ए कन्वर्जेंट, ये प्रूफ करना है। अब बी नंबर में सो डैट द सीरीज जो है समेशन एन बराबर वन से इनफिनिटी तक है, माइनस वन पावर एन माइनस वन साइन वन बटे एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये प्रूफ करना है। और इस तरह से हम एग्जाम में आपका टोटल लॉन्ग टाइप 7 क्वेश्चन आता है, 14 दिए हैं है ना, इसके पहले वाला देखे होंगे कि 10 क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप, सब 20 दिए हैं, दुगुना देने की कोशिश किए हैं ताकि आपको है ना ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के जाएँ और उतना क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाए 100% है ना। इसमें भी आप
एग्जाम से बहुत पहले आप लोग की पोर्टर क्वेश्चन दिया गया है ना, तो पढ़ने में कोताही मत कीजिएगा है ना, कम से कम 14 क्वेश्चन ए और बी मिला करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको 7 क्वेश्चन एग्जाम में है 7 के 7 आ जाए, और आप च्वाइस करें उसमें से कौन हम ए और बी अच्छा ढंग से जानते हैं जो बना सकते हैं 3 क्वेश्चन लॉन्ग, उस तरह से च्वाइस करने के लिए आपको ऑप्शन मिले। च्वाइस कब कीजिए, जब सब जानते हैं आप तो अपने इच्छा के अनुसार सब बना सकते हैं, और इस तरह से अपने भी क्वेश्चन का फ़ायदा उठाइए, और जो भी इसका आंसर नहीं मिलता है ना, तो कमेंट करके पूछिएगा है ना, उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि टोटल 50 लेक्चर का वीडियो है, और 50 लेक्चर में आपको टोटल टोटल आपका मिल जाना चाहिए। एक ठो लॉग वाला जो है ना, यहाँ 56 नहीं होगा, 36 के आसपास होना चाहिए, चाहे 46 के आसपास होना चाहिए बोला है ना, देख लीजिएगा आ जाएगा ना इसमें, वो तो खोल लीजिएगा सब मिल जाएगा आपको ए टू जेड। तो पहले क्वेश्चन का सीरीज बना लीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके आंसर तैयार कर लीजिए, और इसको प्रैक्टिस में लग जाइए, एग्जाम कभी भी हो सकता है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, और अपने भी फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों लोग को भी फ़ायदा दीजिए है ना, आज ही जाइए इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके।